फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैंने उसमें आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना बता दिया था अच्छे से। आज उसमें से स्ट्रक्चर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो उसका रूप थोड़ा ब्रेक करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगी हु, हाउ मच, हाउ मेनी, हूज, इन सब के बारे में कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, क्या इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर में। इसके बाद आप लोग से बताऊंगी कॉमन मिस्टेक जो कि हम जनरली करते हैं, और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस के साथ। सबसे पहले हु मैंने यहाँ लिया है, इसमें क्या एक्सेप्शन होता है मैंने आपको बताया था कि हु के बाद मतलब डबल इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद, और फिर उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट। लेकिन हु में सब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, यानी कि हम सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन बना लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। अपना काम कौन कर चुका है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है हु। अब हु सिंगुलर होता है कर चुका है, वैसे कह रहे हैं हु हमेशा ही सिंगुलर होगा क्योंकि हम इमेजिन करेंगे किसी एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। Has, तो has आ गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट पर ही हमने क्वेश्चन कर लिया है इसलिए यहाँ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए who as a who has done, तो डायरेक्ट मेन वर्ब की यहाँ पर क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट को आप स्किप करना पड़ता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, डन हिज वर्क। तो ये छोटा सा इसमें एक्सेप्शन होता है कि हु जो है एज अ सब्जेक्ट ही वर्क करता है। देखिए जैसे अगर मैं हु की जगह यहाँ कोई नेम लिख दूं, राम हैज डन हिज वर्क, रवि हैज डन हिज वर्क, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस लग रहा है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन वर्ड तो होता है, ये क्वेश्चन पूछता है इंटरोगेटिव, लेकिन ये एक्ट किसकी तरह करता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव में नेगेटिव की तरह करता है। तो राम हैज डन हिज वर्क, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर पूरा अफर्मेटिव या नेगेटिव वाला फॉलो होता है। अब देखिए हम नेगेटिव वाला भी एक सेंटेंसेस देखते हैं। आज क्लास में किताब कौन नहीं लाया है, सबसे पहले ठीक है, इसके बाद हैज, ये यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद इसमें मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन हु में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा नहीं। और मैंने एक और चीज बताई थी, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, हैज नॉट, हैव नॉट, ये एक साथ नहीं आते। लेकिन हु किसका रूल फॉलो करता है, नेगेटिव का, नेगेटिव में। तो यहाँ पर अगर मैं राम लगाती तो राम हैज नॉट ऐसे आ जाता ना, तो उसी तरह हु हैज नॉट। अब लाने की ब्रिंग, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, तो ब्रॉट लग जाएगी। इसके बाद बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का, यानी कि ऑब्जेक्ट, हिज बुक इन द क्लास में एंड आज की टुडे। तो मेन आपका इस पर देखिए ये चीज, इसमें क्या चेंज हुआ है, हु हैज नॉट, मेन चीज मैंने आपको इंटरोगेटिव में बताया था कि हैज नॉट, हैव नॉट एक साथ, लेकिन जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का लगा देते हैं, यानी कि हु के साथ हमेशा नेगेटिव में नेगेटिव रूल फॉलो होगा, और अगर नेगेटिव नहीं है सेंटेंस तो अफर्मेटिव को फॉलो होगा। हु एक्ट्स एज अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस ऑल्दो इट इज अ इंटरोगेटिव वर्ड। तो ये हो गया आपका हु का एक्सेप्शन। अब बात करते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हूज। अब देखते हैं इसमें क्या एक्सेप्शंस होता है। आज कितने लड़के क्लास में आए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कितने, कितने हो गया, तो कितने की हाउ मेनी या हाउ मच क्या लगेगा इसमें, मैं आपको हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ। हाउ मेनी कहाँ लगता है, काउंटेबल चीजों के साथ, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ क्या लगता है, हाउ मच, यानी जिन्हें आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कितने लड़के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गए काउंटेबल आइटम्स, यानी कि फॉर काउंटेबल आइटम्स वी यूज हाउ मेनी, एंड फॉर अनकाउंटेबल जैसे कि मिल्क, तुमने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वॉटर, इस टाइप से हम यूज करते हैं हाउ मच और हाउ मेनी का। तो इसमें काउंटेबल आइटम है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी का, हाउ मेनी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि सब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही, इसमें ये वॉइस। तो इससे आपको क्या समझे, जो भी ये फोर टाइप्स के क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ये अपने साथ लगा हुआ कोई भी नाउन वर्ड ले लेते हैं, यानी कि
ये अकेला क्वेश्चन वर्ड नहीं बनेगा, इसके साथ लगा हुआ नाउन या वर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, ये पूरा का पूरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज या है, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है। तो क्या है बॉयज, है मतलब प्लूरल है तो है, देखेंगे हम इसकी के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी बॉयज हैव कम, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट लगता है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो स्किप करते हुए चलिए, इसमें वैसे सब्जेक्ट होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है। हैव कम यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम, कम इन द क्लास टुडे, ये है। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसने किसकी किताब चुराई है। अब उसने किसकी, किसकी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हूज। लेकिन अगेन सेम चीज, हूज कभी भी अकेला नहीं रहेगा, उससे रिलेटेड वर्ड उसके साथ लग जाएगा, यानी कि हूज बुक। इसके बाद बुक सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव लगाते हैं, इसमें तो सब्जेक्ट था नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं था तो हमने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया था। ही क्या है, सिंगुलर, तो हैज ही स्टोलन, यानी कि ये क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद क्या आ गया, हैज। फिर इसके बाद क्या आता था, सब्जेक्ट ही होता था रूट, और फिर इसके बाद आती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हूज बुक हैज ही स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील इज अ फर्स्ट फॉर्म, उससे ही बना है थर्ड फॉर्म स्टोलन। जो जो मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट करते जाइए, इसी में ही आपको मिलती जाएंगी। कुछ ऐसी वर्ब हो सकता है जो कुछ छूट गई हूँ आप लोगों से, तो इस टाइप से हो गया। ये हमारे कुछ एक्सेप्शन, कॉमन मिस्टेक्स। तो देखते हैं हम क्या क्या मिस्टेक्स जनरली कर जाते हैं स्टूडेंट्स। मेन वर्ब में, मेन वर्ब में क्या होता है, आई हैव सॉ मूवी, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन सॉ क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो आई हैव सीन अ मूवी, बहुत ही कॉमन वर्ब है, डेली लाइफ में बहुत यूज होती है, सी सॉ सीन, मैंने आपको बताया था इरेगुलर वर्ब्स में। टेंस, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, मैंने आपको बताया था जब मैं वेन टू यूज बता रही थी कि ये व्हेन इसमें यूज नहीं होता है। आपको कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, अगर आपको व्हेन इंटरोगेटिव में यूज करना है, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर वर्क, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। तो हम इसमें टेंस की मिस्टेक कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हम व्हेन के साथ लगा देते हैं इंटरोगेटिव बनाते टाइम, जबकि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव, हैज सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ, और मैंने यहाँ पर क्या, ही हैव वॉन द प्राइज, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। तो ये कॉमन मिस्टेक्स अब आप आई होप नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको इसमें मिस्टेक्स फाइंड करना है। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को 10 मिनट्स के लिए पॉज कीजिए और पहले खुद ही मिस्टेक फाइंड आउट कीजिए और फिर देखिए आप कितना ये टेंस सीख पाए। तो पॉज माय वीडियो फॉर 10 टू 15 मिनट्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज एंड मैच योर आंसर विद माय आंसर। डिड यू एवर विजिट पेरिस, क्या तुमने कभी पेरिस देखा है। अच्छा, एवर यहाँ पर वर्ड लग गया, ये जो वर्ड लगा है तो हम अभी तक की बात कर रहे हैं, क्या तुमने अभी तक जब से पूरी लाइफ में कभी पेरिस देखा है, तो यानी इसका जो इफेक्ट है वो अभी भी हमारे प्रेजेंट में है। तो पहली बात तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते। हैव यू एवर बीन, इस टाइप से जब भी हम यूज करते हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तो कभी तुम दिल्ली जा चुके हो, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं करते, उसमें हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। डिड यू एवर विजिट पेरिस इज रॉन्ग, तो राइट क्या है, फिर इसमें राइट कैसे करेंगे, से हैव, यहां पर क्या लगा देंगे हम इसकी जगह, हैव यू एवर विजिट, आप कौन सी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, क्या लग जाएगा, विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड पेरिस। तो जब भी हम, मैंने बताया था इफेक्ट, लेकिन किसमें है, प्रेजेंट में, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। एवर वर्ड या है वीन वर्ड जहां भी आते हैं उस पर हमेशा परफेक्ट यूज करते हैं, ये आप याद कर लीजिए। वेयर हैव यू मेट रीता, अभी भी मैंने कॉमन मिस्टेक्स में भी आपको बताया था और लास्ट वीडियो में वेन टू यूज में भी वेन हम यूज नहीं करते। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंसेस की मिस्टेक अभी मैंने आपको बताई थी।
क्या तुम मिलिता से कभी मिली? तो डिड यू मीट, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें तो सब में थर्ड फॉर्म रहती है, तो हमें फॉर्म भी देखना पड़ेगा अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे हैं। डिड यू मीट रीता, क्या तुम रीता से मिली? हम ये नहीं कह सकते व्हेन डिड यू मीट रीता, क्या तुम रीता से कब मिली? तुम रीता से कब मिल चुकी हो इज रॉन्ग, व्हेन, ठीक है, व्हेन के साथ हमेशा यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, दोनों टेंसेस में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। Have you heard the news? अब इसमें बताइए क्या तुमने खबर सुनी, कोई न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा और मैं किसी से क्या कह रही, क्या तुमने वो खबर सुनी? Have you heard the news? तो this is correct or not? क्या चेंज करें? चलो, did you heard the news? No, this is correct. Grammatically correct है, मैं उसका effect present मान के चल सकती हूँ। क्या तुमने वो खबर सुनी है, पढ़ी है या फिर तुमने वो खबर? इस टाइप से। I have gone to Mumbai last week. सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको when to use में बताया था, मेरी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, टाइम एक्सप्रेशन के साथ ऐसे यूज करते हैं, लास्ट वीक, यस्टरडे, ठीक है, या कोई भी सन इन 1960, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का, हम टाइम एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर हमें कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो चुका है, काम भी उसमें हो गया। I have gone to Mumbai, सबसे पहले बात, अगर मैं मुंबई जा चुकी हूँ लास्ट वीक, तो मैं यहाँ पर आके कैसे कह सकती हूँ किसी और सिटी में? I have gone to Mumbai, मैं लास्ट वीक मुंबई जा चुकी हूँ, तो ये नहीं बनेगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट में I went to Mumbai last week. Did you train the team? और नीचे भी मैंने सेम लिखा है, have you trained the team? क्या तुमने टीम को ट्रेन किया? क्या तुमने टीम को ट्रेन किया? तो ये सही है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग होना चाहिए? नो, ये भी सही है, अपने सेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ग्रामेटिकली दोनों सही है। हम पास की बात करेंगे, तुमने ट्रेन को टीम किया, हाँ मैंने कर दिया। क्या तुम ट्रेन टीम को ट्रेन ही थे उसके, ट्रेन करते थे? हाँ मैं ट्रेन करता था, मेरा ही काम था। या क्या तुम ट्रेन जस्ट हमें कोई मैच खेलने जाना है, तुमने टीम को ट्रेन कर दिया ना, तो ये भी सही है। तो इस टाइप से आपने देखे, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश होता है। दोनों पार्ट लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, इस वीडियो में मैं फिनिश करती हूँ। लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं किस टॉपिक पर और मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, तो मुझे मेल करके जरूर बताइए, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, बेल आइकन बटन प्रेस करने से आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टेंस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।